प्रीव्यू के अंदर हम एक जो प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर 6 पार्ट्स हैं, ट्रांजिट, कंक्लूजन पार्ट 1, कंक्लूजन पार्ट 2, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग्स। ट्रांजिट जो आपको पूरे वीक का माहौल देता है, एनवायरनमेंट देता है, आपकी गट फीलिंग देता है, आपके डिसीजन चॉइसेस देता है, आपका विजन इमेजिनेशन दे देता है, वो ट्रांजिट है। और कंक्लूजन पार्ट 1, कंक्लूजन पार्ट 2 के अंदर वो एक ऐसी सिचुएशन देते हैं जिसमें आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं, हालात क्या हैं। और उस कंक्लूजन पार्ट 1, कंक्लूजन पार्ट 2 के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि पॉजिटिव क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या है उसमें। और टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग, ये 3 टूल हम एसेट्स हम आपसे हमेशा शेयर करते जिससे अगर आप चाहें तो आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन को मनूवर कर सकते हैं। उपाय पद्धति से, प्रिकॉशन से, आप क्या आपको नहीं करना चाहिए। और चैंटिंग वो है जो आप स्पिरिचुअली उसकी हेल्प ले सकते हैं, कर्ता से, भगवान से, सुप्रीम से, और इस कायनात के जो मालिक हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं मंत्र साधना से। वो कोड है, वो चैंटिंग है। ये जो हमारा जो प्रीव्यू होता है, ये वीकली हॉरोस्कोप का, ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। इसमें हम बहुत सारे, ये नहीं कि आप तमाशा देख रहे हैं, इसमें कंक्लूजन्स के अंदर या जो प्रीमियम कंटेंट है, जो आपको वेबसाइट पे जाना होगा, तो प्रीमियम कंटेंट के अंदर आप अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी को लेकर उस पर बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हर वीक के अंदर किसी भी इंसान के लिए कुछ ऐसे भी डे हो सकते हैं जो इंटरव्यू में जाना है, प्रेजेंटेशन में जाना है, कोई एग्ज़ाम में जा रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई खास पर्टिकुलर कोर्ट की डेट है, कोई प्रोफेशन का टूर चल रहा है, कोई बिजनेस का टूर है, कोई बिजनेस की असाइनमेंट है, किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और जिसको आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। कई बार आपको चाहते हैं कि आपको कोई मदद की जाए। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी का जो वीकली हॉरोस्कोप जो टास्क है, इसके अंदर जो भी कोई पूरा इन्वायरमेंट है, उसमें आप बहुत कुछ है जो आप प्रयोग भी कर सकते हैं। लियो, इस आने वाले वीक में बुध आपके दूसरे भाव में है, फ्लो ऑफ इनकम के इश्यूज में कोई इशू नहीं होंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम ठीक रहेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। विचार कर ले, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डील आपकी बन जाएगी। सूर्य मंगल तीसरे भाव में, कम्युनिकेशन से रास्ते खुलेंगे, मुकद्दर में चमक होगी। बृहस्पति शनि छठे भाव में है, हेल्थ, हार्मोनी, हैप्पीनेस का ध्यान रखें, बढ़ते हुए खर्च पर नज़र रखें। चंद्रमा राहु दशम भाव में है, प्रोफेशन में किसी भी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को पनपने ना दें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। वीरस केतु चौथे भाव में है, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा लेकिन अपने हाथ में रहें, पीस ऑफ माइंड, हार्मोनी, हैप्पीनेस कई बार मिसिंग होगी, विचार करना होगा। इस आने वाले वीक के अंदर अगर आप चाहें कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। उसमें पता चलेगा चंद्रमा के गोचर का फल, जो आपको बताएगा आपकी गट फीलिंग, आपका विजन, आपकी इमेजिनेशन, आपके डिसीजन, आपकी चॉइसेस, आपकी हेल्थ, आपकी हार्मोनी, आपकी हैप्पीनेस। एक्सटेंसिव वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी ज्योतिष के ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो। प्रिकॉशन में ऐसा क्या नहीं आपको करना चाहिए इस पूरे वीक के अंदर। मंत्र साधना में क्या मंत्रों की उपासना, किन मंत्रों की उपासना करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लियो, वीकली कंक्लूजन, कंक्लूजन पार्ट 1, वीक कमेंसिंग है 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, कंक्लूजन के तौर पे। इस आने वाले वीक में भागदौड़ बहुत होगी, हैसल्स बहुत होंगी, फ्रूटलेस आर्गूमेंट्स बड़े होंगे, फिजूल की बातें बड़ी होंगी। इस आने वाले वीक के अंदर पारिवारिक जिंदगी के अंदर चैलेंजेस बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी, कई बार आप बहुत ज़्यादा हर बात पे अनॉयड भी होंगे, डिसअपॉइंटेड भी होंगे। इस आने वाले वीक में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस से फेस करना ही पड़ेगा, बड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को फेस करना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा, खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, सोच से ज़्यादा होगा। 22 अक्टूबर के बाद इनकम के रिसोर्सेज में बढ़ोतरी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होंगी,
जो हेल्प चाहिए थी वो हेल्प आपको मिल जाएगी। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत आपके हाथ पे कुछ आएगा, स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी और मन की इच्छाएँ पूरी होंगी।